सो हेलो आईडी फैमिली, वेलकम करते हैं आप सभी का एक कोड इफेक्टिव की न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे गेम के अंदर आ चुका है अपना AWM एंड गाइस ईवीएमपी का रिंग इवेंट। देखिए गाइस, इसमें आप लोगों को 3 ईवीएमपी का गन स्किन एंड 3 AWM की गन स्किन दिए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में रिव्यू करके आपको बताएंगे कि इसमें से ईवीएमपी कौन सा बेस्ट है एंड गाइस AWM कौन सा बेस्ट है। आप लोग दोनों निकालना चाहते हो, मतलब कोई हो सकता है कोई AWM निकालना चाहता हो या फिर कोई ईवीएमपी निकालना चाहता हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोगों को टोकन तो है ही भाई, स्पिन करके निकाल सकते हो। तो भाई ये वीडियो देखो गाइस, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ऐसे नॉलेज वीडियो आती रहती है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए, ईवीएमपीएन गाइस मतलब ओम का रिंग इवेंट है, जिसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है ये टोकन, ठीक ना। ये यूनिवर्सल टोकन है, यानी कि ये वाला टोकन है, यानी कि आप लोगों के पास कुछ ना कुछ टोकन होगा ही अगर आपने स्पिन किया है। तो देखिए गाइस, इसमें से सबसे बेस्ट जो है ना, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सबसे पहले ईवीएमपी का बात करें तो ईवीएमपी में सबसे टॉप वाला ईवीएमपी है, जिसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है डबल डैमेज सिंगल आर्मर पेटेशन, जल्दी वेस्ट तोड़ देगा और डबल डैमेज है, यानी कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन आर्ट ऑफ वॉर ईवीएमपी होगा आप लोगों का, फ्री वाला ईवीएमपी उससे बेटर नहीं है, तो वो आर्ट ऑफ वॉर वाला काफी बेस्ट है इससे। और फ्रेंड बात करें ये वाला डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल डैमेज, तो ये काफी ज्यादा मस्त है। इसमें भी हालांकि डबल डैमेज सिंगल रेट ऑफ फायर मतलब डबल रेट ऑफ फायर सिंगल डैमेज है, बट गाइस उसमें माइनस में एक्यूरेसी है, जिसमें इसमें आप लोगों को रीलोड स्पीड देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है। रीलोड से कोई मतलब नहीं रहता, तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है गाइस। ये ईवीएमपी सबसे ज़्यादा बेस्ट ईवीएमपी है, इसका तो बात ही छोड़ दो, डबल एक्यूरेसी सिंगल रेट ऑफ फायर है, ये वाला काफ़ी ज़्यादा मस्त है, ठीक ना। ये वाला ईवीएमपी निकाला चाहते हो तो निकाल सकते हो, अगर ईवीएमपी लेना चाहते हो। तो बात करें अभी AWM में, तो AWM में सबसे पहला AWM देखने को मिल जाता है डबल डैमेज सिंगल रेंज और माइनस में मोमेंट स्पीड। देखिए डबल डैमेज सिंगल रेंज माइनस मोमेंट स्पीड, चलिए इस मोमेंट स्पीड से AWM में कुछ नहीं रहता है, क्योंकि इसमें मारो और स्विच करो रहता है, इसमें से कोई मतलब नहीं। अब बात करें आर्मर पेटेशन, तो देखिए आर्मर पेटेशन वाला काफ़ी ज़्यादा मस्त है, क्योंकि आर्मर अगर उसका टूट जाएगा तो 300 का भी डैमेज लग जाएगा AWM से, आप लोग को पता होगा। आर्मर पेटेशन वाला काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और अगर ये भी अगर डबल टॉप फायर वाला लेना चाहते हो तो डबल टॉप फायर वाला भी ले सकते हो। देखिए इस सबसे बेस्ट जो है ना, ये इसमें डबल डैमेज वाला है, ठीक ना, क्योंकि AWM में डैमेज ही मैटर रखता है और आर्मर पेटेशन, तो ये दोनों में से कोई निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। AWM कोई भी लो काफ़ी ज़्यादा बेटर ही रहता है भाई। गाइस मैं बता दिया ईवीएमपी कौन सा लेना है एंड गाइस AWM कौन सा लेना है। तो बात करें डायमंड की, तो डायमंड तो इसमें आपको डर लगेगा। देखिए गाइस यहाँ पर मेरे पास 13 वाउचर है, चलिए इसमें 10 का स्पिन फटाफट मार देता हूँ, क्या पता निकलता है कि नहीं निकलता है, देखते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो टोकन ही टोकन मिला और पता नहीं कैसे स्किप हो गया भाई। देख सकते हो गाइस 10 का स्पिन किया तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो हो आप लोग का समझ सकते हो कैसा मिलेगा। चलिए गाइस यहाँ पर 3 है, तो एक और स्पिन करते देखते क्या मिलता है इस बार। और इस बार देखते हैं गाइस, यहाँ पर मुझे मिलता है टोकन, 5 टोकन मिला भाई, देख सकते हो। फिर से एक स्पिन करते देखते क्या मिलता है मुझे, तो यहाँ पर देखने को मिल जाता ये वाला भाई, क्या मिलता है भाई, 1 टोकन मिला, वाह भाई वाह। चलिए गाइस एक और स्पिन मारते हैं और देखते हैं क्या मिलता है मुझे। और इस बार जो मुझे मिला वो है गाइस 2 टोकन। चलिए गाइस यहाँ पर 1 टोकन 2 टोकन मिलके यहाँ पर, तो मैंने 13 स्पिन किया तो 44 ही टोकन हुआ, और जिसमें 17 टोकन ऑलरेडी मेरे पास था, यानी कि कितना डायमंड लग रहा है आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है ना। 1500 से डायमंड लगेगा आप लोगों को एक निकालने में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाना। मिलते को और वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।